ओके सो आप सोच रहे होगी कि हम एप्लीकेशन में आज क्या बनाने वाला है, राइट? बहुत ही सिंपल रखेंगे ताकि आप तुरंत ही समझ पाए और तुरंत ही बना पाए, राइट? आज हम बनाने वाले हैं पंखा, जो कि अभी मेरे घर में बंद है, राइट? ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हम बनाएंगे एक पंखा कि जो एक बटन से अगर हम रोटेट कर पाए तो नथिंग लाइक इट, बराबर? और ये स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक पंखे का इमेज, राइट? वो कहाँ से लाएंगे? तो कि एक साइट है, वेबसाइट है, पिन क्लिप आर्ट करके, बराबर? यहाँ पे आप जाके सिर्फ फैन सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारे पंखों के एग्जांपल्स दिखेंगे। इसमें से कोई भी ले लीजिए जिसको हम बाद में एप्लीकेशन में यूज़ करके रोटेट करेंगे, बराबर? तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं पहले स्क्रैच में जाके क्रिएट करूँगा एंड पहले ही अपना नाम से स्टार्ट करते हैं। सो रोटेटिंग फैन वुड बी माई एप्लीकेशन नेम, ठीक है? अब पंखे वाली एप्लीकेशन में हमें है बिल्ली मासी का कोई काम नहीं है, तो इसको यहाँ से भगाते हुए शू करते हुए और पहले एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। उप्स, बैकग्राउंड हम जो रेडीली अवेलेबल है उसमें से कुछ ले लेंगे, बराबर? आई थिंक यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी कंसिडरिंग कि थोड़ा सन है। वैसे ठंडी हवा तो आ सकती है, इसलिए चलो कुछ और ही चलो। नहीं, ओके, चलेगा। एंड स्प्राइट, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली हमारी स्प्राइट क्या रहेगी? तो कि एक पंखा। अब आ गया, ये रहा हमारा पंखा, ठीक है? अब अपना ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है कि हमें इसको रोटेट करना है। कब? तो चलिए इसको हम धीरे धीरे एप्लीकेशन को हम बहुत ही धीरे धीरे बनाएंगे, ना कि एक ही झटके में मैं बटन भी ऐड कर दूं और सारी चीज़ें एक साथ कर दें। तो कि पंखा, उसका नाम रख देते हैं फैन स्प्राइट, और साइज थोड़ी ज़्यादा है तो उसको कर देते हैं 50। उप्स, 50। एंड देन, अच्छा ये बढ़िया है, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे मूव। अब एक बार पहले चेक कर लेते हैं कि ये रोटेट होगा तो कैसा दिखेगा, ठीक है? और हमें ये कब करना है? तो कि मैं जब फ्लैग क्लिक करूँ मुझे ये पंखे को रोटेट करना है। सबसे पहले कंट्रोल इवेंट चाहिए हमें, कौन सी इवेंट? तो कि जब भी मैं फ्लैग पे क्लिक करूँ मुझे इसको रोटेट करना है, ठीक है? फ्लैग पे क्लिक करते ही वी वॉन्ट टू रोटेट इट बाई 15 डिग्री। बट इसे क्या होगा, एक बार करके देखते हैं। मैं जितनी बार क्लिक करूंगा तभी रोटेट होगा, राइट? घूम तो बराबर रहा है, हवा नहीं आ रही है, वो बात अलग है, बट ठीक है। हमें क्या चाहिए कि ये कंटिन्यूअसली घूमता रहे, करेक्ट? उसके लिए हम जाएंगे यहाँ लेफ्ट साइड में कंट्रोल में, और लेट्स से कि मुझे चाहिए कि इसको 100 बार घुमाना है, मैं इसको रिपीट 100 टाइम, और 100 टाइम मुझे सिर्फ उसको 15 डिग्री रोटेट करना है, राइट? आई कैन चेंज द डिग्री, मैं इसको 10 कर सकता हूँ, 15 कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसा दिखेगा। हम एक बार वो भी करके देख लेते हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ, 10 डिग्री घूम रहा है, बराबर? और इसको थोड़ा रोटेशन और बढ़ाते हैं, ओके, थोड़ा स्मूथ लग रहा है, बराबर? अब मैं इसको अगर 45 डिग्री कर दूँ क्या होगा, राइट? हो क्या रहा है कि ये बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे जा रहा है, वहां से बहुत जल्दी नेक्स्ट पोजीशन पे जा रहा है, ताकि हम पंखा बहुत फास्ट लगे। अब अगर इसी को मैं 5 कर दूं, हमारा पंखा स्लो हो गया। कभी अगर फ्यूचर में हम ऐसी एप्लीकेशन बनाए कि जैसे हम सिर्फ बटन से ऑन ऑफ नहीं, बट हम ये भी चाहते हैं कि उसकी स्पीड कंट्रोल कर सके, तो देन यू नो व्हाट टू डू, राइट? टर्न, चेंज दी डिग्री रोटेशन 5 की जगह पे 10, डिपेंडिंग ऑन कि यूजर क्या सिलेक्ट करता है, ठीक है? अब पंखा तो रोटेशन वाइज बराबर लग रहा है, ठीक है? व्हाट वी नीड नेक्स्ट, तो कि हमें इसके लिए एक बटन चाहिए होगा, राइट? बटन यानी और एक स्प्राइट। अपलोड नहीं करेंगे, आई थिंक बटन तो हमें रेडीमेड यहाँ से मिल जाएगा। लेट्स से कि दिस इज द बटन, ओके। अब बटन में दो चीज़ होगी, एक कभी वो ऑन बिहेव करेगा और कभी वो ऑफ बिहेव करेगा, यानी कि जब बटन का ऊपर, लेट्स से कि हम उसमें टेक्स्ट भी डाल देंगे, अगर
ऑन बटन दिख रहा है, मैं अगर उस पर क्लिक करूँ, जैसे हमारे घर में होता है राइट, स्विच चालू किया, स्विच बंद किया, स्विच चालू किया, स्विच बंद किया, वैसे हमें इसके दो मोड चाहिए, करेक्ट? तो हम वो दो मोड को पहले ऐड करते हैं। कैसे करूँगा मैं, ये बटन को पहले तो नाम देते हैं फैन बटन, साइज लगभग बराबर ही है। अब हम उसके दो व्यू देखने के लिए, दो प्रकार के बटन बनाने के लिए एक ही बटन में हम दो कॉस्ट्यूम ऐड कर देंगे, ठीक है? पहले वाला ये रहा मेरा कॉस्ट्यूम। अब जब भी पहले बटन दिखेगा, यूजर को ऑप्शन होगा कि आप पे ऑन करो, बराबर, तो उस पे हमें ये इसका कलर चेंज करना चाहिए ग्रीन, और यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट भी ऐड कर देते हैं ऑन। ओ, कलर का टेक्स्ट थोड़ा अलग रखेंगे तो प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है? ओके, परफेक्ट। पोजीशन, दैट्स इट। ओके, सो एप्लीकेशन चालू किया, बटन ऑन किया, पंखा घूमेगा, और क्या चाहिए? चालू हो गया, अभी बंद करना है, बराबर। तो दूसरा बटन, मैंने ये बटन का नाम रखा नहीं, कॉस्ट्यूम का नाम रखते हैं ऑन बटन, दूसरा कॉस्ट्यूम का नाम रखते हैं ऑफ बटन, और ऑरेंज भी चलेगा बट रेड मेक्स मोर सेंस। कलर में मैं बहुत ही बुरा हूँ, तो कोई इसको ऑरेंज बोलेगा, रेड बोलेगा, चलेगा। ऑफ 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 ऑफ, ब्लैक, परफेक्ट, ठीक है, सेंटर में लाते हैं। ये हुआ बटन बनाने का काम, बटन का नाम दे दिया है ऑफ बटन, ऑन बटन, ऑफ बटन, ऑन बटन, इसको भी चलो ऑन को कैपिटली रख लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास बटन है, दो तरीके से बिहेव करेगा, बट बटन को कैसे पता चलेगा कि मैं अभी क्या हूं, बराबर, मेरे को अभी ऑन प्रेस किया गया है कि ऑफ प्रेस किया गया है, वही सारी चीजें हमें अभी कोड ब्लॉक से अचीव करनी है, ठीक है? बटन पे क्लिक करूं यानी कि मुझे तब कोई प्रोग्राम या तो कोड लिखना है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इवेंट में। इवेंट में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा कि व्हेन दिस स्प्राइट इज क्लिक्ड, ठीक है? इसका मतलब कि जब भी आप ये बटन पे दबा रहे हो, सी मैंने यहाँ पे बटन सिलेक्ट किया हुआ है, राइट? ओके, नाम क्यों चेंज नहीं हुआ, फैन बटन, एंटर। ओके, जब भी मैं फैन बटन पे क्लिक करता हूँ, ये महाशय, ये कोड ब्लॉक को पता चलेगा कि अरे कुछ प्रेस हुआ है, उसको ये नहीं पता है कि ऑन प्रेस हुआ है कि ऑफ प्रेस हुआ है, बस प्रेस हुआ है, पर अब हमें वो पता लगाना है, बराबर, कि क्या प्रेस हुआ है। ये कॉस्ट्यूम के ऊपर जो नाम है, बराबर, वो नाम हमें कुछ काम आ सकता है, कैसे, तो कि देखते हैं, सेव वाला ब्लॉक यूज करते हैं, और हमारे पास जितने भी ऑप्शन है उसमें से हम ये वाला रख लेंगे, हेलो की जगह पे हमें ये करना है क्या, तो कि कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम का नंबर नहीं, नाम प्रेस करना है, ठीक है? कब, जब ये क्लिक हो, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, अभी धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। लेट्स से मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट है, पंखा अपनी तरह घूम रहा है, बट फॉर नाउ लेट मी रिमूव दैट कोड, हमें ये कोड की अभी जरूरत नहीं है, हमने ट्रायल करने के लिए किया था, हमारे पंखे की स्पीड हम इतनी ही रखेंगे। निकाल दिया, पंखा बंद, स्टॉप, एप्लीकेशन फिर से स्टार्ट। ऑन प्रेस करने पे क्या होगा, तो कि ऑन बटन, ठीक है? यानी जब भी कॉस्ट्यूम का नाम वाली चीज हम अगर यहां से पिक करते हैं कोड ब्लॉक, वो हमेशा ये डिनोट कर रहा है कि वो स्प्राइट का नाम क्या है, अभी ये कहाँ से आया, बराबर, तो क्या हमने ये ऑन बटन रखा था, और उसके अलावा क्या है, ऑफ बटन, ठीक है? तो कुछ हमें कंडीशन, सो यहाँ पे एक कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, बराबर, कि कभी मैंने ऑन प्रेस किया है, कभी मैंने ऑफ प्रेस किया है, कभी मैंने ऑन प्रेस किया है, जब ये ऑन हो गया, पंखा चलने लगा, हमने ऑफ प्रेस किया है, वो सारी चीजें रोटेट होती रहेगी, राइट? तो हम अपने कोड में ऐड कर देते हैं कंडीशन, यानी कि कंट्रोल में जाएंगे, वहां पे कंडीशन में जाएंगे, और इफ वाला ब्लॉक ऐड करते हैं, ठीक है? इफ यानी कि कब हमें कब हमें यहाँ पे बटन पंखा करने की प्रोसेस करनी है,
पर वो यहाँ पे आएगा और ऑफ वाला मोस्टली हम नीचे लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ क्या चेक करना है? करेक्ट, अभी के लिए तो हमें पता है कि कॉस्ट्यूम का नाम अगर ऑन है तो आपको यहाँ पे जाना है, ये वाले कोडिंग ब्लॉक पे, और अगर नहीं है तो यहाँ पे जाना है। तो पहले तो हम बहुत ही सिंपल कुछ से वाला ही रखते हैं, जस्ट फॉर ट्रायल, सो कि ऑन बटन इज प्रेस्ड, ठीक है। पर कब? अब हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा कंट्रोल के अंदर एक कंडीशन। हमारी कंडीशन क्या है कि कॉस्ट्यूम का नाम जब ऑन बटन हो तो आपको अंदर जाना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? ऑपरेशन, ऑपरेशन में जाके ये वाला ऑपरेशन फिट बैठेगा, ठीक है। एप्पल की जगह सिर्फ हमें कर देना है जो हमने यहाँ ऊपर यूज किया है, सेम चीज, तो कि कंट्रोल, सॉरी, कॉस्ट्यूम का नंबर नहीं हमें चाहिए, नेम। क्या प्रेस किया था? जब भी हम यहाँ पे प्रेस करते क्या बताता है ये? ऑन बटन, ऑन बटन, ऑन बटन, ठीक है। सो अगर कॉस्ट्यूम का नाम ऑन बटन है तो आपको नीचे जाना है और क्या बोलना है कि ऑन बटन इज प्रेस्ड, ठीक है। यानी ये एक चीज तो ऑलरेडी बोल रहा था, अभी और भी एक बोलेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, ऑन किया, ऑन बटन इज प्रेस्ड, ठीक है। ये वाला कॉस्ट्यूम का टेक्स्ट इसके पीछे चला गया इसलिए हमें शायद नहीं दिख रहा है, ऑन बटन इज प्रेस्ड। और अगर वो नहीं है और अगर आप नीचे आ रहे हो तो हम वो वाला टेक्स्ट प्रिंट करवाते हैं, राइट। तो फिर से सही ले लेते हैं, ऑफ बटन इज प्रेस्ड। यहां अभी कभी आएगा? आएगा नहीं, क्यों? जब भी ये प्रोग्राम रन होता है, जब भी मैं ये स्प्राइट क्लिक करता हूं, ये हमेशा ये इफ वाले कंडीशन के अंदर ही जाता है। जबकि हमारे घर में आप देखोगे, बटन ने, अगर बटन अभी ऑफ है, हम जैसे ही ऑन बटन दबाते उसका ऑटोमेटिकली टेक्स्ट क्या चेंज हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? ऑफ, करेक्ट, बराबर। तो हम अब करते हैं एक मैजिक, और वो मैजिक का नाम है स्विच कॉस्ट्यूम, ओके। मैंने ऑन तो बटन दबा दिया, अब मैं करूंगा ऑफ, यानी कि बटन ऑन था, प्रेस किया, ऑफ हो गया, ठीक है। और अगर नीचे गया, बटन ऑफ है, तब हमें क्या करना है? तो कि तब ऑन करना है। तो फिर से यहाँ पे ले लेते हैं स्विच कॉस्ट्यूम टू ऑन बटन, फेयरली सिंपल, ऑन है ऑफ करो, ऑफ है ऑन करो, ठीक है। प्रोग्राम बंद करो, कोई बात नहीं। स्टार्ट दबाया, ऑन बटन अगर है, ऑन बटन इज प्रेस्ड, ऑफ बटन है, ऑफ बटन इज प्रेस्ड, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, यानी बटन ने अपना काम कर दिया, ठीक है। अब ये हमें ये टेक्स्ट की जरूरत है, अभी थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर बाद में आखिरी में निकाल देते हैं, बराबर, थोड़ा इरिटेटिंग लगेगा वरना। अब भाई दो लोगों के बीच में बात करनी पड़ेगी। बटन बता रहा है पंखे को कि भाई स्टार्ट हो, जैसे हमारे घर में वायर होता है, वो वायरिंग का काम बाकी रह गया, क्योंकि बटन यहाँ पे है, फैन यहाँ पे है, बटन यहाँ पे है, फैन यहाँ पे है। अब दोनों के बीच में वायर कैसे कनेक्ट करेंगे? तो कि ब्रॉडकास्ट करके, बराबर, वाईफाई का जमाना है, बटन प्रेस हुआ, उसने वाईफाई से कॉल किया, हाँ, और पंखे को बताया भाई स्टार्ट करो आपका काम, बराबर, आप क्यों बैठे हो। सो इवेंट में जाते हैं, पंखे को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और हम उसको बताते हैं। सो हम बटन के पास जाते हैं, बटन को बोलते हैं कि भाई आपको क्या करना है? तो कि आपको ब्रॉडकास्ट करना है, आपको सबको बताना है। क्या बताना है? तो कि एक नया मैसेज बताना है, ऑन बटन रेस्ट, ठीक है। यूनिवर्स में, हाँ, स्क्रैच प्रोग्राम के यूनिवर्स में बटन ने बता दिया कि भाई ऑन बटन दब चुका है, अब आप देखिए। और सेम हम करते हैं जब ऑफ बटन प्रेस होता है, करेक्ट। तो हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं ऑफ बटन प्रेस्ड, हाँ। सो वही प्रोग्राम है, कुछ चेंज नहीं हुआ, आपको कुछ चेंज लगेगा भी नहीं। जब भी मैंने ऑन प्रेस किया, अब यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज तो हो रहा है, बराबर, हमने एलियन से बात करने के लिए यहाँ से बहुत सारे मैसेज तो भेज दिए हैं, पर ये पंखा जो एलियन है हमारा, उसको मैसेज नहीं मिले, नहीं मिले क्योंकि वो सुन नहीं रहा था। अब हम पंखा सिलेक्ट करेंगे और इसको बताएंगे कि व्हेन आई रिसीव, बराबर, इसको ऑलरेडी पता है कि दो टाइप के मैसेज आ सकते हैं, व्हेन आई रिसीव ऑफ, व्हेन आई रिसीव ऑन।
अब हम पहले ऑन से स्टार्ट करते हैं, बराबर। पंखा ऑन से ही स्टार्ट करेंगे। ऑन किया, इवेंट में गए और हमें अभी रिपीट करना है। रिपीट क्या 10 बार करना है? नहीं, अभी तो पंखा भाई घूमता रहेगा। कब तक? तो कि फॉर एवर, फॉर एवर ये पंखा मोशन में जाओ 15 डिग्री घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। देखना है? एवरीबडी रेडी? ओके, पंखा पर पहले ऑफ है। ओके, रिसेट, स्टार्ट, ऑन। पंखा स्टार्ट भाई, बराबर। ऑफ, अरे नहीं पंखा बंद नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा। फिर से प्रेस किया, कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फैन के अंदर हमने सिर्फ एक ही लॉजिक लिखा है कि भाई पंखा जब स्टार्ट करे, बटन जब प्रेस का मैसेज आए, तो हमें क्या करना है? तो कि पंखा रोटेट करना है। पर ऑफ आया तो क्या करना है? अरे वो भी ऐड कर देते बहुत ही जल्दी। व्हेन आई रिसीव, बराबर, यहाँ ऑन था तो ये करना है। अगर आई रिसीव ऑफ तो हमें क्या करना है? वो तो अभी तो मुझे भी नहीं पता है। ढूंढ लेते हैं। स्टॉप ऑल, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? इसी स्टॉप के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। ऑल यानी कि कोई भी स्क्रिप्ट अगर ये स्प्राइट के लिए रन हो रही है, सारी बंद कर दो, बराबर। ये स्क्रिप्ट बंद कर दो, या तो अदर स्प्रिट में भी, यानी कि पंखे कोई और चीज से कनेक्टेड है उसको भी बंद करना है, वो भी कर सकते हैं। बट फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे ऑल रखते हैं, बराबर। एंड बी रेडी फॉर अ मैजिक। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। ब्रावो, इतना जल्दी पंखा बन गया। यूनिवर्स में मैसेज भेजा, यूनिवर्स में मैसेज रिसीव किया, दैट्स इट। और तो क्या चाहिए आपको? हाँ, ये सारे जो मैसेज हमने ऐड किए थे, धीरे धीरे करके उसको हम डिलीट कर सकते हैं, बराबर। उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर आपको रखना है रखो, मैं सिर्फ सिंपली और क्लैरिटी के लिए ये वाला मैसेज निकाल दूंगा, जहाँ पे भी से वाला है, ठीक है। से वाला से नीचे लिखे, ओके। आपको करें हम यहाँ से बाय बाय, क्योंकि हमें टेक्स्ट नहीं दिखना है। क्लीन अप्रोच, लास्ट रन, भाइयों, बहनों, बच्चों, राइट। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। ऑन पंखा स्टार्ट, ऑफ पंखा ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, दैट्स हाउ यू डू इट। इसी के साथ हमारा एप्लीकेशन खत्म होता है, और आई होप यू लाइक द वीडियो। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, बहुत ही सारी ऐसी एप्लीकेशन बनाते रहेंगे। जब तक नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक अलविदा। थैंक यू, बाय बाय।